दिवांश की लिखे है तेरे चेहरे का रंग क्यों उठ गया? बोल दिवांश। सच्चे कनिका मेरी ते दिवांश जी दी धी। जिहड़ी रिपोर्ट लैन ने पिछली बार दिखाई सी उहदा नैगेटिव सी, फिर मैं एस टी एन ए रिपोर्ट नूं कितना सही मान लवां? नैन ऐ सब की है, पिछली बार रिपोर्ट विच तां दिवांश जी यही सच। जदों परमात्मा ने सानू दो बच्चियां दित्तियां उदों सहदेव जी ने अपनी मरी हुई थी साढ़े तो चोरी साड़ी अनिका दे नाल बदल दित्ती। फिर सहदेव जी ने सब के सामने यह विखाया जिवें अनिका नूं नीलम ने जन्म दिता। क्योंकि उन्होंने इदां लगता सी कि जे नीलम नूं पता लग गया कि उहदी मरी हुई बच्ची पैदा हुई है कि ते नीलम अपनी जान ही ना दे दे। सहदेव ये सब सच है? मैं कुछ पूछ रहा सहदेव, कि ये सब सच है? मैनू जवाब दे। मैनू माफ कर दो वीर जी, माफ कर दो। मैनू माफ कर दो वीर जी। बातों में आके मेरे को बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को नीलम की हालत देखी नहीं गई, मैं एड्डी वड्डी गलती कर बैठा। वीर जी मैनू माफ कर दो। भाभी मैनू माफ कर दो। भाभी जानता है गलती माफी दे काबिल नहीं है, पर मजबूर से एदा मतलब तांत्रिक सही कह रहा सी, नयन अज अपनी धी अनिका नूं ही मिलन वाली सी। एदा मतलब अनिका ममता दा पुनर्जन्म है। मैं उठो सहदेव जी, तुसी उठो सहदेव जी, मैं कह रही हूं तुहानू
ਤੁਸੀਂ ਨੈਣ ਦੀਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਇਹ 100% ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਵਾਂਸ਼ ਅਨਿਕਾ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਸਹਿਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਦੱਸੋ ਸਹਿਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ DNA ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਨੈਣ ਪਾਪੀ ਅਨਿਕਾ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ DNA ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਲੈਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਨ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਵਾਂਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਤ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਹਿਦੇਵ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੰਦੀ ਬੈਲ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਦੇਵ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬੈਗ ਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਦੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਹਿਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ DNA ਰਿਪੋਰਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਦੇਵ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ
नहीं शमशेर जी, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करवा रही। पर दिवांश तू कंप्लेंट क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि इन्हें सजा देने का हक मेरा नहीं है। नीलम ते नयन का गुनहगार हूं जो वो दोवे कहणगिया वही होएगा। सहदेव जी ने गलती पैसों के लालच या फिर किसी तो बदला लैन के लिए नहीं की। उन्होंने बच्चों की अदला बदली या रिपोर्ट इसलिए बदली ताकि वह नीलम की जान बचा सकन, नीलम को दुख ना पहुंच सके। सहदेव जी का तरीका जरूर गलत सी, भावना गलत नहीं सी, इसलिए मैं सहदेव जी को माफ करती। थैंक यू सो मच पापी। थैंक यू सो मच। तुसी इंसान नहीं रब का रूप हो। मेरी एड्डी वड्डी गलती दी व्याज तुसी मैनू माफ करके मेरी नजरों में अपनी इज्जत होर वधा ली है। वीर जी मैं माफ कर दो। वीर जी मेरी गल तो सुनो, किस्मत है ना, नयन दे वल्लों दित्ते गए 3 मौके भी नहीं सांभ सकी। जे तू अनिका नू अपनी धी वांग प्यार करदी ना तो तेनू ए दिन ही देखना पैंदा। ये सब कुछ तुहाडे करके होया है, तुसी मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दित्ते। तुसी सारे प्लीज मैनू ते नीलम नू थोड़ा टाइम दो, मैं नीलम नाल बहुत जरूरी गल करनी है। नहीं मैं तुहाडे नाल कोई गल नहीं करनी। गल करना तो बहुत दूर दी गल है, मैं तुहाडी शक्ल भी नहीं देखनी। एक मिनट इधर आई जरा। जी
नैन का मतलब दोवें थी जिंदा ने, एक सहदेव ने बदल दी तो दूसरी किडनैप हो गई। हाँ जी, मैं रब अगे अरदास करांगा कि तैनू तेरी दूजी धी भी जल्दी मिल जाए। तो हाँ, मैं जीवन के घर की सिक्योरिटी होर वधा दिती है, हुण उहदे घर वालिआं नूं कोई परेशान नहीं कर सकेगा। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद शमशेर जी। अपना ध्यान रखी, जे तैनू किसी भी चीज़ की लोड़ हुई तो मैनू दसी, मैं चलता। हुण एक गल तां साफ हो गई है कि अनिका ही वो कुड़ी है जिहड़ी दीदी जी दी जान लैण वाली है। वैसे मनना पएगा, नयन ने हथ पैर मार के अपनी धी नूं हासिल कर ही लिया। सानू तां खुश होना चाहिए। की दीदी जी, तुसीं नयन दी तारीफ कर रहे हो? अनिका नयन की धी है और इस तो वड्डी बुरी खबर तुहाडे वास्ते होर कोई नहीं हो सकती। वो जिहड़ी कुड़ी नूं असीं सारे शहर च लभ रहे सी वो साडे घर विच ही मिली, तुसीं कदी सोच सकदे सी? दीदी जी, मैं तो कहना अनिका की सानूं अज ही जान लै लैनी चाहिए। इहदा मतलब जीवन ने सानूं झूठ बोलिया सी, उहने कदी नयन की धी नूं किडनैप किया ही नहीं सी। दीदी जी, तुहानू की हो गया? तुसी टेंशन लैण दी बजाय हस रहे जे। मैं तो इस करके खुश हाँ कि अनिका ममता का पुनर्जन्म है ही नहीं। पर दीदी जी, ये गल तुहानू कितना पता है? तांत्रिक ने मैनू कहा सी, जदों ममता का पुनर्जन्म मैनू हाथ लगाएगा या तो हाथ मेरा सड़ेगा या फिर झटका लगेगा। फिर तो दीदी जी तुहानू अनिका नू हाथ लगा के देखना चाहिए। मैं नयन दे कहन ते अनिका नू हाथ ला के वेख लिया सी ते मैनू कोई झटका नहीं लग्या। इसलिए मैं यकीन नाल कह सकती हाँ कि अनिका ममता का पुनर्जन्म नहीं है। नयन की बच्ची सहदेव ने अपनी मरी हुई बच्ची नाल बदल दिती सी, पर असी ये जानते हाँ कि जीवन ने नयन की एक बच्ची किडनैप की सी। हाँ जी दीदी जी। सो इहदा मतलब की होया? नयन ने दो बच्चियां नूं जन्म दिता सी, जिदे विचों एक दे विच दिव्य शक्तियां सी जो कि ममता का दूजा जन्म है। वो अनिका नहीं हो सकती, वो दूसरी है जिन्हों जीवन ने किडनैप किया सी। तू बिल्कुल सही कह रहा है, नयन ने हाथ पैर मार के अपनी एक धी नूं तां हासिल कर लिया,
पर दूसरी की पहुंच तो हले भी वह दूर है। तांत्रिक ने यह कहा कि नयन अज अपनी धी लभ जाएगी, पर यह नहीं सी कहा कि केड़ी धी लभ जाएगी।